समाज सेवी संस्था थर्ड आई एंटी क्राइम टीम द्वारा तहसीलदार रफीक अहमद जलाल को बेहतर सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने तहसीलदार को शॉल और माता की तस्वीर देकर सम्मानित किया। गुप्ता का कहना था कि बतौर तहसीलदार उन्होंने लोगों के सामाजिक काम में बहुत साथ दिया और दूर से आए लोगों की तकलीफ को समझते हुए तुरंत काम करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने तहसीलदार रफीक अहमद जलाल को उनके नए पद व स्थान के लिए शुभकामनाएं दी और नए तहसीलदार रमन कुमार को फूलों के बुके देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि वो भी लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्राइम स्टोरी के लिए जम्मू कश्मीर से शशि कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे बिश्नाह के लोगों की थोड़ा सा ऐसा हो सकता है बदकिस्मती कह लो कि जलाल साहब जा रहे हैं, लेकिन जो काम मैंने अपनी लाइफ में 54 साल उम्र है मेरी, छोटे से पीरियड में 3-4 साल तक अंदर जो देखे हैं मैंने, बहुत से ऐसे केएस अफसर या केपीएस अफसर या आईपीएस अफसर हैं, वो डिप्टी तो करते ही करते हैं, जो एक सोशल एक्टिविटी करते हैं उसमें जनाब साहब का बहुत बड़ा सहयोग था। हम जो नए तहसीलदार साहब आए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं चलोत्रा साहब से कि वो डिप्टी तो करें ही करें, उसके साथ जो है सोशल एक्टिविटी भी जारी रखें, डिप्टी को ही सोशल एक्टिविटी माने ताकि जनता का भला हो सके, जनता खुश हो सके।